दोस्तों, क्या आपने कभी ये सोचा है कि लड़कियां लंबे लड़कों को ही ज़्यादा क्यों पसंद करती है? किस उम्र में महिलाएं ज़्यादा रोमांटिक हो जाती है? उबासी का नाम तो आपने सुना ही होगा, पर कभी आपने ये सोचा है कि उबासी हमें क्यों आती है? शायद हो सकता है आपको अभी उबासी का नाम सुन के उबासी आ भी गया होगा। भारत में लोग सरकारी नौकरी क्यों लेना चाहते हैं? चीन में एक भी हिंदू मंदिर क्यों नहीं है? आपने मकबरा, कब्र और दरगाह के बारे में तो सुना ही होगा, पर कभी आपने ये सोचा है कि इन तीनों में क्या अंतर होता है? तो दोस्तों, ऐसे ही 10 सवालों का जवाब मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। यदि आपको इन सभी सवालों का जवाब जानना है तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले एक बात मैं आपको बता दूँ, इस वीडियो के आखिरी में आपसे कुछ कहना है, इसीलिए प्लीज इस वीडियो को आखिरी तक जरूर देखिएगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का मजेदार सवाल जवाब फैक्ट सवाल जवाब के साथ। आज का पहला क्वेश्चन है, किस उम्र में महिलाएं ज़्यादा रोमांटिक हो जाती हैं? हाल ही में एक शोध किया गया था जिसमें पता चला है कि महिलाएं 28 से लेकर 34 साल की उम्र में संबंध बनाना सबसे ज़्यादा पसंद करती है। इस दौरान उनको शारीरिक सुख की आदत हो जाती है और जिसे पूरा करने के लिए वो अपने पति या बॉयफ्रेंड से लगातार ऐसा करने को कहती हैं। अगला सवाल है, लड़कियाँ लंबे लड़कों को ही ज़्यादा क्यों पसंद करती है? दरअसल दोस्तों, लंबे पुरुष महिलाओं को शारीरिक सुरक्षा का एहसास देते हैं, जबकि छोटे हाइट वाले पुरुष महिलाओं को सुरक्षा का एहसास नहीं करा पाते हैं। यही कारण है कि महिलाएं लंबे पुरुष को ज़्यादा महत्व देती है, क्योंकि वो महिलाओं को एक सुरक्षा का आत्मविश्वास भी दिलाते हैं। अगला सवाल है, हमें उबासी क्यों आती है? दरअसल यह हमारे शरीर का ऐसा प्रक्रिया है जो हमें दिन में कई बार प्राकृतिक रूप से आती है। उबासी आलस्य का प्रतीक भी माना जाता है। विशेषज्ञों का मानना है कि उबासी हमारे शरीर में ऑक्सीजन की कमी को पूरा करने के लिए ही आती है, क्योंकि उबासी करते समय हम कम समय में ज़्यादा ऑक्सीजन ले पाते हैं। इससे हमारे मस्तिष्क को भी टेम्परेचर कंट्रोल करने में मदद मिलती है। शरीर में जब कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ जाता है और ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, तब उबासी के जरिए इसे संतुलित किया जाता है। अगला सवाल है, भारत में लोग सरकारी नौकरी क्यों लेना चाहते हैं? दरअसल भारत में सरकारी नौकरी के पीछे कई लोग बहुत अधिक मेहनत करते हैं। सरकारी नौकरी में ये है कि आप 60 से 65 की आयु तक बिना किसी टेंशन का अपना अच्छा जीवन यापन कर सकते हैं। यहाँ पे एक बार नौकरी हो जाने के बाद आपकी जॉब सिक्योरिटी भी मिल जाती है, आपको कोई भी नहीं निकाल सकता है यहाँ से। यहाँ पे आपको बिजनेस की तरह कई नुकसान का कोई टेंशन नहीं होता है। कई सरकारी नौकरी में आपकी स्वयं सुरक्षा एवं परिवार की भी सुरक्षा का प्रावधान होता है। सरकारी नौकरी में कई लोगों की ये सोच भी होती है कि यहाँ पे काम कम और आराम ज़्यादा होता है, परंतु हमें जहाँ भी नौकरी मिले वहाँ पे पूरे मन से करना चाहिए। अगला सवाल है, चीन में एक भी हिंदू मंदिर क्यों नहीं है? दरअसल दोस्तों, ऐसा नहीं है कि चीन में एक भी हिंदू मंदिर नहीं है, लेकिन वहाँ पे धार्मिक आज़ादी जरूर नहीं है। चीन आधिकारिक रूप से एक नास्तिक देश है। चीन की सत्ताधारी कम्युनिस्ट पार्टी किसी भी धर्म को नहीं मानती है और नास्तिक विचार को तवज्जो देती है। इसके बावजूद भी चीन धर्मों को नष्ट करने में नाकाम रही है। वहाँ के सरकारी मीडिया के मुताबिक चीन में कम्युनिस्ट पार्टी के रिटायर्ड सदस्यों को भी किसी भी धर्म का पालन करने पर पाबंदी लगा दी गई है। सभी चर्चों को सरकार का मंजूरी लेना पड़ता है, इसके साथ ही उस पर सरकार का नियंत्रण भी होता है। वहाँ की सरकार का मानना है कि धार्मिक आस्था वामपंथ को कमजोर करती है। पार्टी के सदस्यों को पूरी शक्ति से मार्क्सवादी नास्तिक बनने को कहा जाता है। अगला सवाल है, मकबरा, कब्र और दरगाह में क्या अंतर होता है? कब्र उस स्थान को कहते हैं जहाँ पे किसी व्यक्ति अथवा किसी जीव जंतु को उसके देहांत के उपरांत दफनाया जाता है। कब्र आमतौर पर एक अलग क्षेत्र में बनाई जाती है, जिसे कब्रिस्तान भी कहा जाता है। कब्र के ऊपर यदि कोई इमारत बनाई जाती हो तो उसे मकबरा कहा जाता है। दरगाह एक सूफी इस्लामी पुण्य स्थान होता है, जिसे अक्सर किसी प्रतिष्ठित सूफी संत, पीर, वली या दरवेश की कब्र पर बनाया जाता है। स्थानीय मुस्लिम तीर्थ यात्रा के उद्देश्य से किसी दरगाह की यात्रा करते हैं और इस यात्रा को जियारत भी कहा जाता है। इसके अतिरिक्त आम तौर पर एक मस्जिद, बैठक, इस्लामी धर्म विद्यालय जिसे मदरसा भी कहते हैं, शिक्षकों और कर्मचारियों के लिए घर, अस्पताल, सामुदायिक भवन आदि भी किसी दरगाह परिसर का ही हिस्सा होता है। अगला सवाल है,
क्या होगा जब अचानक से उड़ते हुए प्लेन के दरवाजे खुल जाए। एक यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर डेविड वर्च का कहना है कि यदि कम ऊंचाई पर ही प्लेन का दरवाजा खुल जाता है तो वह दरवाजा का लीवर 90 डिग्री में आ जाता है और पायलट को तुरंत ही पता चल जाता है। प्लेन के दरवाजे को बेहद हाई प्रेशर के साथ बंद करने के लिए डिजाइन किया जाता है। यह दरवाजा सिर्फ कम ऊंचाई पर ही खुल सकता है, अधिक ऊंचाई पर यह दरवाजा नहीं खुल सकता है। अगला सवाल है, छिपकली, सांप या ज्यादातर जितने भी रेप्टाइल्स हैं आदि अपना शिकार निगल क्यों जाते हैं? दरअसल इन प्राणियों के शरीर की संरचना भी इसी प्रकार की होती है। इसके पास या तो दांत नहीं होते हैं और अगर दांत होते हैं तो वो चबाने लायक नहीं होते हैं। इसी कारण से ये अपने शिकार को चबाने के बजाय निगल जाते हैं। इनके मुंह की भी संरचना इसी प्रकार होती है ताकि इनके किसी भी भोजन को निगलने में इन्हें सुविधा मिले। अगला सवाल है, कुत्ता अपनी पूंछ को क्यों हिलाता है? दरअसल कुत्ते का पूंछ हिलाना अपने मालिक के प्रति दया भाव प्रेम ईमानदारी का प्रतीक माना जाता है। जब भी किसी कुत्ते को लगता है कि कोई व्यक्ति उसका नुकसान न करके उसे कुछ खिलाएगा तो वो अपना सहमति दिखाने के लिए अपने पूंछ को हिलाने लगता है। इसलिए कुत्ते को एक ईमानदार और वफादार प्राणी भी माना जाता है। अगला सवाल है, खुश रहने वाले इंसान हमेशा कामयाब क्यों होते हैं? दरअसल खुश इंसान हमेशा सफल होते हैं क्योंकि वे अपना पूरा ध्यान अपने काम पर लगाते हैं और दुखी इंसान अपना काम ठीक से नहीं कर पाते हैं। खुश इंसान मानसिक रूप से स्वस्थ रहते हैं, किसी भी समस्या का हल भी वो खुशी से निकाल लेते हैं। खुश इंसान को सभी लोग भी पसंद करते हैं जिसके वजह से उन्हें आगे बढ़ने में बहुत अधिक मदद मिलती है। खुशी हमारे जीवन में होनी चाहिए। एक खुश व्यक्ति हमेशा स्वस्थ धनवान और बुद्धिमान भी होता है और दूसरों की मदद भी करता है। दोस्तों तो ये थी जानकारी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों इस चैनल पे आपके प्यार और सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है, इसलिए प्लीज़ आपको अगर इस तरह का वीडियो देखना पसंद है तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। दोस्तों यदि मेरे द्वारा बनाए गए वीडियो में आपको कोई भी कमी लगे तो आप प्लीज़ उसे कमेंट कीजिएगा, मैं आगे से सुधार करने की कोशिश ज़रूर करूँगा। दोस्तों इस टाइप की वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत लगती है, आपको यकीन नहीं होगा 5 मिनट के वीडियो बनाने में लगभग 5 से 6 घंटे का समय लग जाता है। अब आप सोच सकते हो कि मैं आपके लिए कितना मेहनत करता हूँ, बट फिर भी आप सब्सक्राइब नहीं करते हो, शेयर नहीं करते हो। दोस्तों आपका जितना प्यार और सपोर्ट यहाँ पे मुझे मिलेगा, मैं आपके लिए उतना ही ज़्यादा मेहनत करके और अच्छी जानकारी आपके लिए लाता रहूँगा। इसलिए दोस्तों आपसे एक छोटी सी विनती है, प्लीज़ आप इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर कीजिए और लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा और ऐसे ही आप अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखिए। फिर मिलते हैं दोस्तों किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।